हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन एंड यू आर वाचिंग जागृतिज वोकैब शो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं 15th मई की इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज पर और सबसे पहले देख लेते हैं उसकी लिस्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी, देन गैस्टली, थर्ड इज होस्टेज, फोर्थ इज ओनर्स एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिपेंसी। तो इन पांच वोकैबुलरीज पे हम डील करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। दोस्तों, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक बात करना। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? अपमानजनक बात करना, ठीक है। इसके सिनोनिम पे आते हैं जो कि विचुपरेटिव, और विचुपरेटिव का भी सेम मतलब होता है अपमानजनक बात करना, अपमानपूर्ण बात करना। उसके लिए हम विचुपरेटिव वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम पे आते हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में, किसी की तारीफ में कुछ कहना, कुछ बोलना। उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस से समझें तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ही मेड अ डेरोगेटरी कॉमेंट। कैसे बोलेंगे? ही मेड अ डेरोगेटरी कॉमेंट, मतलब उसने एक अपमानजनक बात कही। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में से यूज करेंगे। बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ, जो कि है गैस्टली। दोस्तों, गैस्टली का मतलब होता है डरावना, भयानक। उसके लिए हम गैस्टली वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम है ग्रूसम। ग्रूसम का भी सेम मतलब होता है डरावना, भयंकर, भयानक। उसके लिए हम ग्रूसम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एंटोनिम की तरफ, जो कि है प्लीजेंट, और प्लीजेंट का मतलब होता है सुहाना। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहाना। उसके लिए हम प्लीजेंट वर्ड यूज करेंगे। सेंटेंस से समझे तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, द वेदर वॉज गैस्टली। कैसे बोलेंगे? द वेदर वॉज गैस्टली, मतलब वेदर बहुत डरावना था। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ, जो कि है होस्टेज। दोस्तों, होस्टेज का मतलब होता है किसी को बंधक बना के रखना, किसी को कैद में रखना। उसके लिए हम होस्टेज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? कैप्टिव। और कैप्टिव का भी सेम मतलब होता है किसी को कैद में रखना, किसी को बंधक में रखना। उसके लिए हम कैप्टिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एंटोनिम की तरफ, जो कि है एस्केपी। और एस्केपी का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। उसके लिए हम एस्केपी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस से समझे तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, द टेररिस्ट्स आर होल्डिंग 3 men होस्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ, जो कि है ओनस। दोस्तों, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओनस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो दायित्व। उसके लिए हम ओनस वर्ड यूज करेंगे। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का भी सेम मतलब होता है उत्तरदायित्व। उसके लिए हम लायबिलिटी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एंटोनिम की तरफ, जो कि है इररिस्पॉन्सिबिलिटी। और इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपना दायित्व नहीं समझना, ठीक है। उसके लिए हम इररिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा शब्द यूज कर सकते हैं। सेंटेंस से समझे तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, एज अ मदर इट इज माई ओनस टू प्रिपेयर यू फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है डिस्क्रिपेंसी। दोस्तों, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। उसके लिए हम डिस्क्रिपेंसी वर्ड यूज करेंगे। जैसे डिफरेंस बोलते हैं, वैसे ही डिस्क्रिपेंसी का भी मतलब होता है अंतर होना, डिफरेंस होना, ठीक है। इसके सिनोनिम पे आते हैं, इसका सिनोनिम है डिस्पैरिटी, और डिस्पैरिटी का भी सेम मतलब होता है डिफरेंस होना, अंतर होना। उसके लिए हम डिस्पैरिटी जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम पे आते हैं, जो कि है सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम होना, समान होना। उसके लिए हम सिमिलैरिटी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। समानता को हम क्या बोलेंगे? सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी 5 इंटरेस्टिंग वोकैबुलरीज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।